जी, जैसा कि 10 जनवरी को जो जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए थे उसमें सारी चीज़ें लगभग क्लियर लिखी गई थी, फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। हालांकि ये ऑर्डर पहली बार नहीं निकला था, तो जो वीकेंड है सैटरडे संडे डेली नीड्स के आइटम वाली जो शॉप है, दूध दही ब्रेड सब्जी मीट, इनके अलावा जो हमारे रेस्टोरेंट है वो ओपन रहेंगे। और इनके अलावा नेशनल हाईवे पे जो भी रेस्टोरेंट ढाबा और व्हीकल सर्विस सेंटर है वो ओपन रहेंगे। विद इन सिटी जो नेशनल हाईवे पे व्हीकल रिपेयर शॉप नहीं आते हैं, वॉशिंग सेंटर जो बोल रहे थे, वो सारे क्लोज रहेंगे। मेरा बाकी लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि आप 2 दिन स्वयं खुद खुद से ही चीज़ों को बंद रखें, ताकि जो कोरोना की महामारी तेज़ी से फैल रही है सोलन में, उसको हम कंट्रोल कर सकें। कल आपने देखा सबसे ज़्यादा केस पूरे हिमाचल प्रदेश में सोलन में है, और पिछले 4-5 दिनों में 1400 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं। तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अगर आपको लगता है कि कहीं कन्फ्यूज़न है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप सेफ साइड रहें और अपनी शॉप क्लोज ही रखें। हालांकि जैसा मैं फिर से बता देता हूँ, डेली नीड्स के जो आइटम्स हैं, दूध ब्रेड ठीक है मीट हो गया, इनकी जो दुकानें वो खुली रहेंगी, और रेस्टोरेंट जो है विद इन सिटी वो 10 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि उनको भी हमने हिदायत दी है कि डाइनिंग न कराएं और होम डिलीवरी ही दें। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे पे ईटरीज हैं इंक्लूडिंग ढाबा, वो ओपन रहेंगे। जिसके हलवाई की दुकान भी खुलेगी इसमें। हलवाई और ढाबे की दुकानों के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, चूंकि मार्केट पूरी तरीके से बंद है, लोग मार्केट में वैसे भी नहीं आएंगे, और जो ढाबे शहर में होते हैं वहाँ पे लोग खाने के लिए जाते हैं अक्सर, तो चूंकि ढाबे होम डिलीवरी वगैरह नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं उनको यही सुझाव दूंगा कि वो चाहे तो अपनी दुकानें बंद रखें। अगर उनके पास होम डिलीवरी की सुविधा है तो वो होम डिलीवरी दे सकते हैं। सर संक्रमण दर कितनी है जी जिला की? संक्रमण दर अभी 15% से ऊपर जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले 4-5 दिनों में 1400 केसेज आ गए हमारे, और आप देख रहे हैं कि मतलब केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और पिछले 1-2 दिनों में आपने देखा कि काफ़ी बड़े लोग भी पॉजिटिव आए, और जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं उसमें लगभग सारे तरह के लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, और ये संक्रमण शहर शहर तक भी फैल गया है। कल आपने देखा विद इन सिटी में 30 लोगों से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ गए, तो ये संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। मैं यही अनुरोध करूँगा कि 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, जो भी हो सके, जब भी ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। अदरवाइज मुझे लगता है कि विद इन शहर होम डिलीवरी की लगभग सारी सुविधाएं हैं, और ग्रोसरी डेली नीड्स की तो दुकान खुली हुई है, तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज आएगी जिसको जिसकी वजह से किसी शॉप को खोलना पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर से बाकी शॉपकीपर से, बाकी लोगों से जिन जो शॉप चलाते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 दिनों के लिए अपनी आप शॉप ज़रूर से बंद रखें।